दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति की ब्रेजा है और गाड़ी चालू है अभी। आउटसाइड टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमने एसी चालू रखा है। लेकिन बट आप एक चीज इसमें नोट कीजिए, ऑटो का जो लाइट है ब्लिंक हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऑटो का लाइट ब्लिंक क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके दो मोटर जो है ना, एक इनटेक एयर का और एक हीटर का, जो अपन यहाँ से एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हीटिंग टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, दिखा रहा है आपको, लेकिन बट हीटर टेम्परेचर काम नहीं कर रहा है। जैसा कि आपको मैं अंदर दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए आप, ये रही हीटर मोटर। मैं हीटर यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन बट मोटर जरा भी लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है, क्योंकि ये मोटर फॉल्ट मोटर, ये गाड़ी फ्लडेड गाड़ी है, पानी में डूब चुकी थी गाड़ी, इसके वजह से ये मोटर। और ये मोटर देख पा रहे हैं आप, आपको साउंड आता होगा, टक 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 का आवाज आ रहा है। मोटर, तीनों मोटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से ऑटो का लाइट ब्लिंक कर रहा है। और ये रही एक आउटसाइड एयर का, जो कि मैं स्कैनर में भी आपको दिखा देता हूँ, देख पा रहे हैं आप, एयर कंडीशन एयर एसी एयर कंडीशन सिस्टम में B1504 सनलोड सेंसर एंड और इट्स सर्किट्स माल फंक्शन, जो कि सनलोड सेंसर आपका यहाँ रहता है, ये रही। तो उसके बाद दूसरा क्या बता रहे हैं, B1513 टेम्परेचर कंट्रोल एक्चुएटर मोटर एंड इट्स सर्किट माल फंक्शन, जो कि मैंने दिखा दिया, ये रही टेम्परेचर वाला जो हीटर का। और एक तीसरा कौन सा दिखा रहे हैं, B1531 एयर इनटेक कंट्रोल एक्चुएटर एंड, जो कि ये वाला है, काम नहीं कर रहा है। यहाँ से मैं बटन ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन बट काम नहीं कर रहा है, जरा सा भी कुछ लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये तीनों मोटर अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑटो का लाइट जो है ब्लिंक करना बंद करेगा। इस वजह से ये लाइट जो आप देख पा रहे हैं, ऑटो का लाइट, यही रीजन की वजह से ब्लिंक हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज प्लीज प्लीज।